बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टॉपिक है एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन, ठीक है। और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रैंक की बुक से, चैप्टर नंबर 14 से, ठीक है। सो पहले तो हमने ये डिफाइन करना है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। सो फॉरेन एक्सचेंज मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी, ठीक है। कितनी करेंसी है हमारे पास, उसका एग्रीगेट फॉरेन करेंसी का जितने भी मौजूद है हमारे मुल्क में, उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। सो फॉरेन एक्सचेंज ए जनरल टर्म, ठीक है, टू रेफर टू एन एग्रीगेट ऑफ फॉरेन करेंसीज। सो द सम ऑफ फॉरेन करेंसीज प्रेजेंट इन योर कंट्री इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। आपके मुल्क में जितने भी फॉरेन करेंसी मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। सो आपके मुल्क में डॉलर मौजूद है, आप मुल्क के मुल्क में रियाल मौजूद है, जो भी चीज़, जो भी फॉरेन करेंसीज मौजूद हैं, दे आर नोन एज फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉरेन एक्सचेंज में डिमांड यूज़ होगा और सप्लाई यूज़ होगा, और ठीक है, और ठीक है। सो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसीज का मतलब क्या है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसीज का मतलब ये है कि डिमांड of a foreign currency by domestic resident is called the demand for foreign exchange. So this mean, for example, अगर हमें बाहर ममालिक से कोई चीज़ ख़रीदनी है, ठीक है, so we have to demand the foreign exchange, foreign currency, क्योंकि उसको ख़रीदने के लिए हमें डॉलर चाहिए, एक रियाल चाहिए, so ठीक है, so यूरो चाहिए। सो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ये है कि जो भी इस मुल्क के हमारे रेजिडेंट जो हैं उनको बाहर ममालिक की चीज़ें चाहिए, तो उनके लिए फिर डॉलर चाहिए होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड फॉर मनी। सो डिमांड फॉर मनी का मतलब ये होता है कि आपके हाउ मच यू आर डिमांडिंग फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर फिर है इस डिमांड फॉर मनी को नेक्स्ट स्लाइड में भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मार्केट एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यूज होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां पर इंटरनेशनल करेंसीज ट्रेड होती हैं, आप डॉलर लेके गए और आपने बैंक में उनको कहा कि ये जी कन्वर्ट कर दे मुझे रुपए में, आप रुपया लेके गए, आप उनको कहते हैं जी मुझे इसके बदले में डॉलर चाहिए, ठीक है, बैंक में चले गए या ब्रोकर के पास चले जाएंगे, ब्रोकर के पास चले गए, वो जो करेंसी का कारोबार करते हैं उनको ब्रोकर्स कहते हैं, आप उनको उनके पास चले गए, उनको कहते हैं जी मुझे सऊदी रियाल चाहिए, मैंने हज के लिए उमरा के लिए जाना है, ठीक है, या आप वहाँ से आके अब उन्होंने वो पैसे कन्वर्ट करने हैं, तो ये जो जब आप एक्सचेंज करते हो ना, ठीक है, फॉरेन करेंसीज को आपस में एक्सचेंज करते हो, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्या कहते हैं इसको, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। इट इज़ इन दिस मार्केट फॉर एग्जांपल दैट यूएस रेजिडेंट, चूंकि ये फ्रांट की बुक यूएस की है तो वो इसको कहते हैं, इट इज़ इन दिस मार्केट फॉर एग्जाम्पल दैट यूएस के रेजिडेंट सेल डॉलर टू परचेज फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो हम जो करेंसी देते हैं तो वो हम सेल करते हैं, और जो लेते हैं तो वो परचेस करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप चले गए, आपने पाकिस्तानी रुपए दे के डॉलर खरीद रहे, तो दिस मीन यू आर सेलिंग योर रुपी एंड यू आर गेटिंग एन एक्सचेंज फॉर दैट द डॉलर, ठीक है। यहां पर है इन द यूनाइटेड स्टेट द सेंट्रल बैंक द सेंट्रल मार्केट फॉर फॉरन एक्सचेंज इज कंपोज्ड ऑफ ब्रोकर एंड बैंक फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क सिटी। और हमारे मुल्क में क्या है, हमारा मुल्क सेंट्रल बैंक जो है, हमारा सेंट्रल बैंक यूजुअली का वो करता है, इस मार्केट का हिस्सा है, ठीक है, और इसी तरह इसके बैंक्स हैं और ब्रोकर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम डिमांड की बात करते हैं कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। देखें, जितने भी हमने एक्सपेंडिचर करना है फॉरेन गुड्स पे, ठीक है, फॉरेन गुड्स पे, सर्विसेज पे, वहाँ के बॉन्ड्स खरीदने हैं, जो भी चीज़ें खरीदनी है ना, तो इसको ये हमारी क्या होगी, डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी होगी, ठीक है। ऑल एक्सपेंडिचर बाय द यूएस रेजिडेंट और एनी पाकिस्तान रेजिडेंट कह रहे हैं ऑन फॉरेन गुड्स, इफ यू आर परचेजिंग फॉरेन गुड्स, ठीक है, फॉरेन गुड्स, ठीक है, खरीदना है, सर्विसेज खरीदनी है और एसेट्स खरीदने हैं फॉरेन के, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, फॉरेन एसेट या फॉरेन ट्रांसफर पेमेंट्स करनी है,
बाहर पैसा भिजवाना है, ठीक है, बाहर पैसा भिजवाना है। तो ऑल्सो रिप्रेजेंट, ये तमाम क्या कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिमांड फॉर फॉरेन करेंसीज। व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसीज। आपने बाहर ममालिक की चीजें खरीदनी है, आपने बाहर ममालिक की सर्विसेज खरीदनी है, कोई एसेट खरीदना है बाहर मुल्क में, या बाहर पैसे भिजवाने हैं, इन तमाम को हम क्या कहते हैं, दे ऑल्सो दे ऑल रिप्रेजेंट व्हाट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसीज, ठीक है, दैट इज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। द यू और फिर क्या गया, द यूएस रेजिडेंट बाइंग ए जापानीज कार पे फॉर इट इन डॉलर्स। अगर हमने जापानी मोटर खरीदनी है, मंगवानी है जापान से, तो हमने उनको पेमेंट करनी है येन में, ठीक है, बट द जापानीज एक्सपोर्टर विल एक्सपेक्ट टू बी पेड इन येन। तो फिर वो क्या करेंगे, जापानीज तो डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, आप डॉलर को मैं उनको पेमेंट कर देंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उनके जो सेंट्रल बैंक होगा वो उसको कन्वर्ट करके उनको येन देगा, ठीक है। सो डॉलर मस्ट बी एक्सचेंज फॉर येन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया। टू अनदर टेक अनदर एग्जांपल, इफ यूएस रेजिडेंट वांट टू बाय अ शेयर ऑफ स्टॉक ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज, अगर यूएस के प्रेसिडेंट ने लंदन में कोई शेयर खरीदना है, तो जाहिर बात है वो डॉलर में खरीदेगा, फिर वो यहाँ पर उसका सेंट्रल बैंक या ब्रोकर जो होगा उसको कन्वर्ट करेगा किस में, यूरो में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, और वो वहां से क्या खरीद लेगा, एसेट खरीद लेगा, बॉन्ड खरीद लेगा, ठीक है। सो यहाँ पर इन शॉर्ट, द टोटल यूएस रेजिडेंट्स एक्सपेंडिचर अब्रॉड रिप्रेजेंट अ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, या द टोटल पाकिस्तानी रेजिडेंट कोई भी कहने, ठीक है, तो आप जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इट रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ओके। अब आते हैं फोर्थ स्लाइड्स की तरफ। अब ये जो जो मुल्क डिमांड करता है, तो वो दूसरे मुल्क के लिए क्या बन जाती है, सप्लाई बन जाती है। तो कहते हैं लुक्ड एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डॉलर, वी कैन स्टेट दैट दिस टोटल फॉरेन एक्सपेंडिचर ऑफ द यूएस रेजिडेंट ने क्या कर लिया, एक्सपेंडिचर कर लिया, और किस में कर लिया, डॉलर में कर लिया, रिप्रेजेंट एन इक्वल सप्लाई ऑफ डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई डॉलर सप्लाई कर दी, ठीक है। यूएस तो डिमांड कर रहा था, यूएस तो फॉरेन करेंसी, यूएस ने तो क्या कर लिया, चीजें खरीद ली, तो जब इसने चीजें खरीद ली, एक्सपेंडिचर कर लिया ना, तो ये क्या हो गया, डिमांड फॉर इसकी सप्लाई हो गई डॉलर की, और इसने अगर यूरो के बदले में चीजें खरीदी, तो वो यूरो का डिमांड था। अगर ये एक्सपेंडिचर करता है ना इंग्लैंड में करता है, यूके में करता है, तो वो यूरो की डिमांड होगी, अगर ये जापान में करता है, तो वो जापानी येन की डिमांड होगी, लेकिन जब ये चीजें खरीदता है ना, तो सप्लाई ये किसकी कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है डॉलर की, ठीक है। कन्वर्सली ऑल फॉरन अर्निंग ऑफ यूएस रेजिडेंट रिफ्लेक्ट इक्वल अर्निंग ऑफ फॉरन एक्सचेंज, ठीक है, अमेरिकन एक्सपोर्टर फॉर एग्जाम्पल विल जो भी आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, अमेरिकन एक्सपोर्टर फॉर एग्जाम्पल विल एक्सपेक्ट टू बी प्रिपेयर्ड इन डॉलर, अमेरिकन डॉलर एक्सपेक्ट करेंगे कि जी उनको पेमेंट किस में होगी, डॉलर में होंगी, एंड टू बाय अवर गुड्स, ठीक है, फॉरनर मस्ट सेल देयर करेंसीज एंड बाय डॉलर। अब फॉरनर क्या करेंगे, फॉरनर क्या करेंगे, फॉरनर डॉलर खरीदेंगे अमेरिका से, ठीक है, और अमेरिकन क्या करेंगे, अमेरिकन फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और इसमें इसको ठीक करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई फॉरेन करेंसी चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह रेट ऑफ एक्सचेंज किस तरह मुकर्रर होता है, और क्या है रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई किस तरह होती है, इक्वल किस तरह होती है, फॉरेन एक्सचेंज किस तरह मुकर्रर होते हैं, ठीक है।